गाइस स्टॉक मार्केट न्यूज फॉर अर्न में आप सभी का स्वागत है आज ट्वेंटी थर्ड ऑफ सितंबर बात करेंगे यूटी आई के नए आई के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर जैसा हमको पता है आई का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है डे बाई डे कोई ना कोई नया आई हमारे सामने आ रहा है और डेफिनेटली सारे के सारे आई आपको छप्पड़ फाड़ के मुनाफा देने वाले हैं अगर आपके पास इनका लॉटरी टिकट लग जाता है तो डेफिनेटली आपको आई में ज़रूर निवेश करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड गारंटी ही मान लीजिए कि अभी इस मौसम के अंदर बिल्कुल भी आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे अगर आप चाहें तो लिस्टिंग के दिन ही पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं डेफिनेटली आपको बढ़िया मुनाफा होगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, तीन हजार करोड़ जुटाने की कोशिश करेंगे साथ ही यहाँ पर डिस भी है यानी कि यहाँ पर देखिएगा ऑफर फॉर सेल भी आपको देखने के लिए मिलेगा चूंकि एस बी आई एल आई सी जो है बेसिकली यहां पर ऑफर फॉर सेल में यहां आपने कुछ इक्विटी शेयर्स हैं उन्हें बेच

सेल में कितनी बड़ी क्वांटिटी है इक्विटी शेयर्स की साथ ही यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है बेसिकली यहां पर जो ऑफ़र है उसमें रिजर्वेशन भी है दो लाख इक्विटी शेयर्स का और यह है देखिएगा कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए तो डेफिनेटली यहां पर उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहां पर देखिएगा जो दूसरे लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं उनको ये लॉटरी टिकट मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो दोनों ही चीज़ें हैं तो यहां पर एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है साथ ही यहां पर जो टोटल ऑफर है वो तकरीबन देखिएगा टोटल पेड अप इक्विटी का तकरीबन 30.75 परसेंट के लगभग है वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसका जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड नहीं किया गया है और ये जो इश्यू है वो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें कि यहाँ पर आपको किस तरीके का भाव देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली लिस्टिंग में आपको एक बंपर लिस्टिंग ही देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर भी वहीं बात करेंगे कैमकोन के बारे में चूंकि कैमकोन का आज फाइनल डे था तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है आईपीओ वन फोर्टी टाइम्स यहाँ पर देखिएगा ओवर सब्सक्राइब हुआ है कैमकोन तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मौके को भुनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व पोर्शन रखा गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल निवेशकों के लिए वो तकरीबन 40.3 पॉइंट थ्री टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं ये भी पीछे नहीं है वन एक सौ तेरह पॉइंट फिफ्टी थ्री टाइम्स यहाँ पर देखिएगा ओवर सब्सक्राइब हुआ है और देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने फोर फोर्टी नाइन पॉइंट फोर्टीन टाइम्स को देखेगा ओवर सब्सक्राइब करने की कोशिश की है तो यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि रिटेल निवेशक जो कि पहले दूसरे दिन हावी थे अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर सिचुएशन किस तरीके से बदल चुकी है जिनके हाथ भी कैम्प को उनका यहाँ पर आईपीओ लगेगा वो खुद समझ सकते हैं उनके हाथ किस तरीके का लॉटरी टिकट लगने वाला है तो बात करते हैं कैम्स के बारे में तो कैम का भी आज फाइनल डे था तो यहां पर तकरीबन ओवर सब्सक्राइब हुआ है फोर्टी सेवन टाइम्स यहां पर जो यहां पर देखेगा जो एच है उन्होंने अपने पोर्सन को तकरीबन एक टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब किया है तो यहां पर भी सिचुएशन आप बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमने दूसरे में देखी है तो यहां पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिले हैं हमको और अपने पोर्शन का तकरीबन बारह टाइम के लगभग ही सब्सक्राइब किया है और बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की तो इन्होंने तकरीबन तकरीबन फाइव टाइम्स फोर यहां पर सब्सक्राइब करने की कोशिश की है और बेसिकली ओवर सब्सक्राइब करने की कोशिश की है और देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 73.17 टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब किया है अब आप कुछ समझ सकते हैं कि आपको कहीं पर भी मिल जाए जो भी लोटरी टिकट वो आपको जरूर बढ़िया मुनाफा बनाकर देगा एंजल ब्रोकिंग का दूसरा दिन था तो इन्होंने तकरीबन 1.45 टाइम्स ये देखेगा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल ने तकरीबन 2.8 टाइम्स यहां पर अपना पोर्शन यहाँ पर सब्सक्राइब करने की कोशिश की है और बेसिकली और सब्सक्राइब करने की कोशिश की है यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल की 2.79 परसेंट टाइम के लगभग इन्होंने देखेगा और सब्सक्राइब किया है रिटेल ने वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्होंने देखेगा 30.3 परसेंट सब्सक्राइब किया है और यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने देखिएगा अभी भी यहां पर देखिएगा अपना हाथ नहीं खोला है तो इस चीज़ को काफ़ी समझना चाहिए अब चूँकि देखिए अब यहां पर एक चीज़ है जिसको काफ़ी ज़्यादा आपको करीब से समझना पड़ेगा चूँकि एंजल ब्लॉकिंग में दूसरे दिन भी देखिएगा तकरीबन वन पॉइंट टाइम्स ज़रूर ये सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल निवेशक ने टू टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन आपको इस चीज़ को भी देखना है कि यहां पर देखिए दोस्तों तो जिस तरीके से यहां पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने थर्टी पॉइंट थ्री परसेंट सब्सक्रिप्शन दिया है साथ ही देखिएगा यहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अभी बिडिंग स्टार्ट नहीं की है अब यहां पर देखिएगा सिचुएशन को थोड़ा सा समझना ज़रूर पड़ेगा हालांकि ये हमेशा हाथ खोलते हैं आखिरी दिन तो वहां पर सिचुएशन काफ़ी साफ होती है बहरहाल अभी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपने हाथ नहीं खोले हैं यहां बिडिंग स्टार्ट नहीं की है और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन बदल सकती है इसलिए यहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क ज़रूर रहना चाहिए बहरहाल हो सकता है कल की तारीख में आपको यहां पर एक अच्छी खासी बिडिंग देखने के लिए मिले बहरहाल यहां पर इसको बिल्कुल भी आपको घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि पर रिटेल निवेशकों ने काफी ज़्यादा और, का और मुनाफा बनाने की कोशिश की जा रही है रिटेल निवेशकों के द्वारा बहरहाल कुछ एक जितने आईपीओ में जो कि एक ऐसी कंपनियां जिनको बेसिकली बड़े इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं तो आप यहां पर सिचुएशन को खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखेगा रिटेल निवेशक से भी ज्यादा कोशिश करी गई है यहाँ पर दूसरे निवेशकों के द्वारा एक बड़े तरीके से पैसा लगाने की चूँकि देखिएगा यहाँ पर ये लोग जो भी सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं ब, बड़े इन्वेस्टर्स वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रखते हैं और चूँकि इन जैसे स्टॉक में जो काफ़ी स्टेबल होते हैं कैम्प जैसे उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं चूँकि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं कंपेरिटि टू दूसरे स्टॉक से तो यहाँ पर देखिएगा कैम्प जैसे स्टॉक में भी अगर आपको यहाँ पर ये अलॉट होता है तो डेफिनेटली अगर आप इसको रखते भी भी है थोड़े समय के लिए तो आपको एक अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा कैंप्स में बहरहाल अगर कैमकॉन को देखा जाए तो दोस्तों ये पहले दिन ही आपको बहुत छप्पड़ फाड़ लिस्टिंग देने वाला है इसलिए आपको जिसके भी हाथ ये लगेगा डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी अगर वो कर लेता है तो डेफिनेटली उसको एक अच्छा मुनाफा जरूर देखने के लिए मिलेगा तो चलिए दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो को यहीं करता अपनी अगली वीडियो में चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन से प्रेस कर दीजिए आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड का भूलेगा चलिए थैंक यू